हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कन्हैया लाल मिश्र का जीवन परिचय, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनका जीवन परिचय, और उसके बाद पढ़ेंगे इनका साहित्यिक परिचय, और उसके बाद पढ़ेंगे इनकी कीर्तियां। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। अब आगे पढ़ेंगे कन्हैया लाल मिश्र का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबन ग्राम में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो स्टूडेंट्स, कन्हैया लाल मिश्र का जन्म कब हुआ था? सन 1906 ईस्वी में, और कहां पर हुआ था? सहारनपुर जिले के देवबन ग्राम में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब आगे देखिए, इनके पिता का नाम रमादत्त मिश्र था। इनके पिता का नाम क्या था? रमादत्त मिश्र। इन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया, यानी कन्हैया लाल मिश्र ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ये 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से जेल में रहे। तो स्टूडेंट्स, कन्हैया लाल मिश्र स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से जेल में भी रहे। अब आगे देखिए, साहित्य की सेवा करते हुए सन 1995 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। स्टूडेंट्स, साहित्य की सेवा करते करते सन 1995 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने इनका ये जीवन परिचय पढ़ा था, और अब पढ़ेंगे इनका साहित्यिक परिचय। तो स्टूडेंट्स, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। अब आगे पढ़ेंगे श्री कन्हैयालाल मिश्र जी की लघु कथाएं भावपूर्ण और संस्मरणों में राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक झांकी है। तो देखिए, श्री कन्हैयालाल मिश्र की लघु कथाएं, यानी इनकी छोटी छोटी कथाएं, भावपूर्ण यानी भावों से भरी हुई, और संस्मरणों में राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक झांकी है, यानी इनकी कथाओं के संस्मरणों में भी राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक झांकी है। प्रभाकर जी की रचनाओं में भाषा शैली शुद्ध साहित्य खड़ी बोली तथा तत्सम प्रधान है, यानी प्रभाकर जी की रचनाओं में भाषा शैली शुद्ध साहित्य और खड़ी बोली तथा तत्सम प्रधान है। इन्होंने नया जीवन एवं विकास नामक दो प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादन किया। तो स्टूडेंट्स, कन्हैयालाल मिश्र ने नया जीवन एवं विकास नामक दो प्रसिद्ध समाचार पत्रों का भी संपादन किया। अब आगे देखिए, इन्होंने लघु कथा, संस्मरण, रिपोर्टार्ज आदि अनेक नई विधाओं में साहित्यिक रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार को समृद्ध किया। तो स्टूडेंट्स, कन्हैयालाल मिश्र ने लघु कथा, संस्मरण और रिपोर्टार्ज आदि अनेक नई विधाओं में साहित्यिक रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार को समृद्ध किया है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने इनका साहित्यिक परिचय पढ़ा था, और अब पढ़ेंगे इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं में पॉइंट नंबर 1 है रेखा चित्र, और पॉइंट नंबर 2 है लघु कथा, और पॉइंट नंबर 3 है संस्मरण, और पॉइंट नंबर 4 है निबंध। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इनके रेखा चित्र। इनके रेखा चित्र है जिंदगी मुस्काई, महके आंगन, चहके द्वार, माटी हो गई सोना, ये इनके रेखा चित्र हैं। और अब पढ़ेंगे इनकी लघु कथा। इनकी लघु कथा है आकाश के तारे, धरती के फूल, ये इनकी लघु कथा है। और अब पढ़ेंगे इनके संस्मरण। इनके संस्मरण है दीप जले, शंख बजे, ये इनका संस्मरण है। और अब पढ़ेंगे इनके निबंध। इनके निबंध है क्षण बोले, कड़ मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये इनके निबंध हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से कन्हैयालाल मिश्र का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय व रचनाएं कंप्लीट हो गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।